देर शाम यहाँ पर यानी कि बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत इसी स्थान पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। ये गोलियां बाराबंकी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के मध्य चली। बाराबंकी का ये जो स्थान है ये श्रमिक कॉलोनी है, सूत मिल की कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत का ये क्षेत्र है। आपको हम कैमरे के माध्यम से यहाँ के अगर दृश्य दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुनसान इलाका है। दिन के समय भी यहाँ पर लगभग सन्नाटा ही आपको दिख रहा होगा। इस स्थान पर पुलिस को जरिए मुखबिर यह सूचना मिलती है कि कुछ लोग यहाँ पर बैठकर किसी प्रकार की चोरी अथवा घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना के अनुसार यहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है, छानबीन करने का प्रयास करती है तो देखती है इसी स्थान पर 4-5 लोग बैठे हैं। उनकी मौजूदगी के बारे में अगर बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिस्किट के पैकेट और शराब के जो अन्य चीज़ें हैं वो गिलास यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये बताती हैं कि यहाँ वो लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करें तो जब यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, पुलिस के पहुँचते ही यहाँ पर बदमाश पुलिस पर फायर झोंक देते हैं। विगत दिनों से यहाँ पे बाराबंकी के कोतवाली नगर और जहांगीराबाद क्षेत्र में बहुत सारी चोरियाँ नकबजनी के साथ की जा रही थी, जिसको लेकर के हमारी थाना कोतवाली नगर की टीम और थाना जहांगीराबाद की टीम और स्वाट प्रभारी अपने टीम के साथ लगातार इस पे सतर्कता बनाए हुए थे। इसी में सूचना मिली कि बीती रात को कि सूत मिल जो यहाँ पर ये राह है उसके पीछे जंगल में कुछ लोग 4-5 लोग बैठे हैं जो किसी घटना कारित करने के लिए संभवतः मुखबिर ने बताया किस तरह से वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और वो लोग पुलिस टीम पर हमलावर हो गए, फायरिंग किए, जिस पर जवाबी फायरिंग में आत्मसुरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा फायर की गई, 2 लोग घायल हुए, 3 लोग मौके पर पकड़ लिए गए, 1 मौके से फरार हो गया। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने बाकायदे इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश ठीक पुलिस को देखते ही उनके ऊपर फायर झोंक देते हैं और इसी दौरान क्रॉस फायरिंग की जाती है। पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग को लेकर अगर बात करें तो पुलिस ने जैसे ही फायरिंग की वहां पर 2 बदमाश घायल हो जाते हैं, जिनका इलाज बाराबंकी जिला चिकित्सालय में कराया जाता है, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इन्हीं के बीच में एक ऐसा अभियुक्त रहता है जो फरार हो जाता है। बाराबंकी पुलिस ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO डॉक्टर बीनू सिंह के अनुसार उन्होंने बताया कि इन अभियुक्तों को पकड़ने के बाद से उन्होंने यह स्वीकार किया है, इंट्रोगेशन के दौरान यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है और आने वाले समय में भी वो कई घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में कर रहे थे और उनके कब्जे से कुछ सामान भी मिले हैं और जिसपे की जो कि कई सारे सामान जो चोरी जो यहाँ पे घटित हुई थी वही सारे सामान उनके मौके पे उनके कब्जे से और चोरी के जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो भी उनके साथ। पहले भी कुछ वो है मामले जो लोग 2 लोग घायल हुए हैं उनको भेजा गया था हॉस्पिटल, उनके कई सारे आपराधिक इतिहास विभिन्न जनपदों में, लखनऊ में भी मुकदमे हैं उनके और कैसरगंज में है, यहाँ हमारे यहाँ भी है। मोतीलाल जो घायल है उस पर 24 मुकदमे हैं, पहले के 4 मुकदमे अभी बाराबंकी की जो हाल फिलहाल खुली है और प्लस जो कि नान उर्फ नन्हे उस पर जो है कि पहले के 4 मुकदमे हैं, 4 अभी के उसके ऊपर भी खुले हैं और बाकी सारे लोग हैं सबके अच्छे खासे आपराधिक इतिहास। मोड्स ऑफ एम्प्रेंडिस के बारे में बताते हुए CO बीनू सिंह ने जानकारी दी कि ये अभियुक्त के जो ये अभियुक्त थे ये बाकायदे एक संगठित गिरोह चलाते थे और ई रिक्शे के माध्यम से और मैनुअल रिक्शे के माध्यम से ये लोग घरों की सुनसान स्थानों की रेकी करते थे और खासकर यह देखते थे कि जब परिवार कहीं बाहर गया होता था और उस दौरान घर पर ताला बंद होता था तो ये लोग विशेष प्रकार के औजार से उस घरों का ताला तोड़कर वहां के सामान की चोरी कर लेते थे। इन अभियुक्तों पर 1-2 नहीं बल्कि कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और अगर बात करें उनका आपराधिक इतिहास तो उनका आपराधिक इतिहास काफी ज्यादा लंबा है। इनका मॉडल्स अप्रेंटिस ये था कि ये रेकी करते थे एक ई रिक्शा या अन्य माध्यम से, अपने वेल नोन एरिया में घूमते थे, पहले से क्षेत्र को पहले से देखते थे। इनका मेन उद्देश्य था कि जो ताला लगे हुए घर उनको ये टारगेट करते थे, लगातार 2-3 दिन तक उसको वॉच करते थे कि क्या जो है कि उस घर को खोला गया नहीं खोला गया, फिर उस घर को ये टारगेट करते थे। हाल फिलहाल बाराबंकी पुलिस ने साफ तौर पर यह बताया है कि इस प्रकार से जो इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उससे आने वाले समय में चोरियों पर अंकुश लग सकता है। इन बदमाशों के पास से अच्छा खासा माल भी पुलिस को बरामद हुआ है। बात करें जनपद बाराबंकी में, अगर इससे पहले जो घटनाएं हुई थी बाराबंकी में रह रहे एक डिप्टी कलेक्टर के वहां भी चोरी की घटना कारित हुई थी जिसमें भी काफी ज्यादा सामान चोरी में गया था, संभवतः वह सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि
यह भी बात का विषय है कि वो जो सामान बरामद हुआ है वो किसका है, किसके हक का है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस तरीके के जो सुनसान स्थान है यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर चोर आते हैं, बैठते हैं और आराम से वो इस बात की योजना बनाते हैं कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात और भी समझ में आई कि जो ई रिक्शा या जो लोग आपके घर के मोहल्ले में फेरी लगाते हैं, आप उन्हें सिर्फ भरोसे की नज़र से न देखें। जिस प्रकार से ये घटना का खुलासा हुआ, ये कहीं ना कहीं ये बात तो ज़रूर बता रही है कि हमारे आसपास रहने वाले लोग ही हमारे घरों की रेकी करते हैं, इसकी जानकारी तमाम लोगों को देते हैं, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। जिसके बाद से यहाँ पर जो आप स्थान देख सकते हैं, हम आपको स्थान दिखाएं कि जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, जहाँ पर गोलियाँ चली हैं, वहाँ पर मार्क भी किया गया है। जो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बदमाश भागते हुए पुलिस पर फायर कर रहे थे, तो उसी तरीके से आउटर निशान यहाँ पर बाहर बनाए गए। बाराबंकी पुलिस ने पूरी तरीके से यह दावा किया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, अधिकांश चोरी की घटनाएं इन्होंने की हैं और उन घटनाओं से संबंधित मुकदमे लखनऊ में दर्ज हैं। हाल फिलहाल अब आने वाले समय में जिस प्रकार से पुलिस की कार्यशैली है, इससे चोरी की घटनाओं पर कितना अंजाम लगेगा, चोरों के मध्य कितना डर व्याप्त होगा, कितना पुलिस की सक्रियता के प्रति उनके मन में खौफ बैठेगा, ये तो समय बताएगा। बंकी से द कैमरा 999 के लिए शशांक वाजपेयी के साथ नितेश मिश्रा।